आपको बता दें कि जापान की ट्रेन काफ़ी ज़्यादा शानदार और सबसे अलग है। जी हाँ, पलक झपकते ही बदल जाती है ट्रेन की पटरियाँ। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ट्रेन पल भर में अपनी पटरियाँ बदल देती हैं और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है लोगों को कि कब कौन सी पटरी बदलने वाली है और कितनी जल्दी बदल जाती है। आपको बता दें कि एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिससे साफ पता चलता है कि कैसे जापान की टेक्नोलॉजी फास्ट एंड फॉरवर्ड है। बता दें कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोनोरेल का एक जंक्शन दिखाया गया है और वीडियो में रेल के ट्रैक खटाखट बदलते हैं और उन पर ट्रेन दौड़ती चली जा रही है और चलती भी है, जो बीच में ही टूटी हुई है। लेकिन जैसे ही ट्रेन उस बिंदु तक पहुंचती है, यानी कि जो पॉइंट बना है वहां तक पहुंचती है, वो पटरी ट्रेन के रूट के हिसाब से दूसरी पटरी में जुड़ जाती है, जिसका बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, वैसे टेक्नोलॉजी में कोई इंसानी दखल नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये सब टेक्नोलॉजी के वे से हो रहा है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज नज़र आ रहा है। ये तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ रही है, जिसके चलते परिवहन के साधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में आवाजाही को सुगम और तेज़ बनाने के लिए नई नई खोजें की जा रही हैं और उन पर काम किया जा रहा है। ऐसे में जापान की टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और वहाँ की ट्रेन भी सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा अलग है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कोई भी इंसान कुछ भी चेंज करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज हैं और सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रही हैं और इन्हीं वे से ये पटरियाँ भी बदलती हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिससे कि इस पर शक किया जा सके कि जापान की टेक्नोलॉजी कम है और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। ये अपने आप चेंज होती हैं पटरियाँ और पल भर में चेंज होती हैं। आप देख भी नहीं पाएंगे कि कब कौन सी पटरी किससे जुड़ जाए, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और काफ़ी सेफली ये मेट्रो चलती है और यूज़ होती है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।